चलेंगे तो अभी हम पहुंच गए हैं और ये वालेकुम अस्सलाम। बच्चों को मैंने नहला दिया है, हानिया को भी और मलाक को भी। हानिया को मैंने कहा है कि अभी आप मलाक को पकड़ के इसको खिलाओ और मैं खाना बना लूँ। क्या कर रही बहना, गुदगुदी कर रही है मलाकों को? मामा मुझे लगता है मलाक ना बड़ी औरत है ना, सबको ना मारा करती है। पता है क्यों? क्योंकि अभी से जो मारती है इतना मारती मेरे बाल देखो यहाँ से गिर रहे हैं इसके मारने की वजह से। बाल खींच लिए बेचारी के, बाल ये देखें यहाँ से हल्के हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। चलें बच्चों से और घर की सफाई से मैं फ्री होके आ गई हूँ। पर मैंने आटा गूंद के रखा था, देखें ऊपर थोड़ी ना थिक वाली लेयर भी आ गई क्योंकि थोड़ी मैं लेट हो गई हूँ, बच्चों में बिजी हो गई थी। तो बस जल्दी से भी खाना बनाना शुरू करते हैं। खाना मैंने बना लिया है और अभी बच्चे भी सारे यहाँ पर हैं, हस्बैंड का वेट हो रहा है बस कि वो आ जाए तो मैं खाना यहाँ पर रखूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक है। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। दुआ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए, आमीन या रब। तो यहीं से अपने व्लॉग का आगाज करते हैं और हम अभी करने वाले हैं सब नाश्ता। मुस्तफा आ जाओ, मुझसे नहीं उठाया जा रहा है। एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, शाबाश। प्लीज छोटी सी को देखें, ये कैसे आई है? पता चल गया आपको कि खाना बन गया? हैंड वॉश कर लिया हमने? चलें सबने भी खाना खाना शुरू कर दिया। मैं भी बस बिस्मिल्लाह करती हूँ, खाना शुरू करती हूँ। मलाक का शोर देखें, इसे दरअसल ना इसे समझ नहीं आती कि ये क्या खाए, कुछ पता नहीं चलता इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाक ने भी एग खाना है, ख्याल करें ये क्या देख रही है। मलाक ने ना दरअसल ना एग खाना है इसलिए वो ऐसे कर रही है, मैं खिलाती हूँ उसको। ये रहा ये रहा ये रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ अच्छा लगा है? नहीं आएगी हानिया इसमें? ये बॉक्स आपने किसी अबू से लिया? ये वाला, ये तो पाकिस्तान का बॉक्स है। पकड़ो इसमें ना, इसने अपने ग्लासेस डाल दिए और अपने साथ लेकर जा रही है। सही है, जैसे मैंने पहले लगाया था वैसे सही लग रहा था हानिया। अभी ना हम जा रहे हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ, बच्चों को भी मैंने तैयार करवाया है। आज है दरअसल बच्चों के स्कूल का इवेंट है, जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं इस स्कूल का इवेंट है, वहाँ पर मुझे भी इनवाइट किया है। मलाक तो खैर हमारे साथ नहीं जा रही, मुस्तफा जा रहे हैं, हानिया जा रही है, मैं जा रही हूँ। मन्ना और मोना जो है ना ऑलरेडी जा चुके हैं पहले से। खैर अभी चलते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं कि कैसा इवेंट। मुस्तफा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तब से ना मुझे कह रहे थे जल्दी करें जल्दी तैयार हो जाए। मैंने कहा मुझे घर के काम भी करने दो। जब मैं खाना बना रही थी मुझे कह रहे थे आप खाना ना बनाए, खाना नहीं खाते बस चलते हैं। मैंने से कहा नहीं, पहले हम खाना खाएंगे सुकून से, खाना खा के फिर मैं तैयारी करवाऊंगी और फिर उसके बाद हम जाएंगे। क्या हुआ? चलेंगे तो अभी हम पहुंच गए हैं और ये सामने बल्कि मुस्वा के पीछे ये लोकेशन है। अभी बस मलाक को हम करते हैं बाय बाय, मलाक जाएगी अपने पापा के साथ, हानिया और मुस्तफा जाएंगे मेरे साथ। चलें बाय बाय मलाक, बाय बाय। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? कैसा है इवेंट? अच्छा। चलें अभी हम अंदर एंटर हो गए मेन डोर से और पहले पहले तमन्ना हमें लेने आ गई है। कैसा है? अच्छा जा रहा है? लेट हो गई मैं बाहर तो। माशाल्लाह बड़ा ही जबरदस्त सेटअप लगा हुआ है, यहाँ काफी लोग आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? ये आप सबको याद होगा, ये बच्चा जब एक बार ना गाड़ी में हम इसे ड्रॉप करने गए थे और इसने मुझे कहा था, क्या कहा था कि जल्दी से कौन सा गोल्डन, हाँ जल्दी से गोल्डन प्ले बटन आना चाहिए। और माशाल्लाह ये बांग्लादेशी अभी ये बड़ा हो गया, माशाल्लाह देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मोहतरम हाजी ने महफिल अल्लाह ताला के नाम के
बाद अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप जरूर भेजिए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम आला व अरफा है। हमारे प्यारे नबी जो खातमुन नबीजीन रहमतुल आलमीन हैं और जिनकी तालीमात ने तमाम जहानों में उजाला कर दिया। मोहतरम सामईन, रसूल खातमुन नबीजीन रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी खूबसूरत सी आवाज में नजराना पेश करेंगी फातिमा अब्दुल बासित। उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिस खुशाम
आमदीन कहता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा आज का मौजूए कलाम, मैं और आप दुनिया बदल सकते हैं। हम सब अपने अपने मकाम और मकासद के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं और हर इंसान का अपना किरदार है, लेकिन हमारी छोटी छोटी कोशिशें और रवैये दुनिया बदल सकती हैं। माशरे में हर फर्द की अहमियत है और हर फर्द का किरदार बड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत प्यारी सी तालिबा उर्वा तैयब, यहाँ आएंगी और पॉल्यूशन के राइजिंग इशू के बारे में अपनी थॉट्स अपने आपके सामने इजहार करेंगे। My name is Alwa Tayyib and today I'll be sharing rising issue of pollution. Pollution is a root cause of destruction of our planet, from seas to land and even mountains. Every place is covered by debris and litter. Our earth is choking and we must act urgently to prevent it from becoming a dead planet. The most basic thing we can do is to limit our pollution activities. ऐसा है जिस तरह मुख्तलिफ रंग के फूल हैं और उनसे मिलकर एक गुलदस्ता बना जो एक छोटा स्कूल कहलाता है। आप सब कोई फिर खाद तहसीन पेश करूंगी। इन जो है वो पैगम्बरों की मीरास है। पाकिस्तान हमसे है और हम पाकिस्तान से हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब दयारे महर में रहते हुए भी हमारे बच्चे पाकिस्तान की सकाफत और रवायात से बाखबर रहते हैं। Both physical and online school have their own pros and cons and are both vital options for those students seeking to further their education. Let us first talk about physical school. Physical education provides a structure and social learning environment. It allows students to interact with their peers and teachers face to face. Pakistan, China, and even from cities in Saudi Arabia. I've made friends and shared their culture and learned and shared their culture as well as mine. This is something that I would not have been doing otherwise. Thank you. ग्रेड 1 एंड 2 थे, मगर आज ये स्कूल
में होती है और हमारे स्कूल के नेम के साथ होती है। उसको यहाँ पे एक सेंटर अलॉट किया जाता है जिस सेंटर में वो फिजिकली जाके एग्जाम में अपेयर होता है। यहाँ पे आने वाली बहुत सी मदर्स का ये क्वेश्चन था कि आप सेंट्रल बोर्ड के हवाले से थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें, क्योंकि ये बोर्ड है और हम अपने बच्चों को हमारे बच्चों की स्टडीज सैक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए, तो हम किसी ऐसे स्कूल का इंतखाब नहीं करना चाहते जहाँ पे पढ़ाई ना हो और हम इतना वर्चुअल स्कूल से अपने बच्चों को निकालना भी नहीं चाहते। तो जी, अगर आप इतना वर्चुअल स्कूल के साथ अपने बच्चों को रजिस्टर करते हैं तो ग्रेड 9, 10, 11, 12 वी आर ऑफिशियली विद एफिलिएटेड विद फेडरल बोर्ड, यू कैन चेक दिस ऑन फेडरल बोर्ड वेबसाइट एज वेल। आवर स्कूल इज एफिलिएटेड विद नेम ऑफ अल फुरकान एकेडमी विच इज अनदर प्रोजेक्ट ऑफ आवर स्कूल। तो फेडरल बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल है हमारा। उसके बाद हम आगे जाते हैं कैम्ब्रिज में, हमारे ग्रेड 7 तक ऑनवर्ड कैम्ब्रिज असेसमेंट के जरिए ही एग्जाम दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा स्कूल बहुत जल्द कैम्ब्रिज एफिलिएशन भी ले लेगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम 8th क्लास से ऑपरेट करते हैं फेडरल एंड IGCSE को सेपरेटली। करंटली हम फेडरल और IGCSE के 3 कोर्सेज अनाउंस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स रजिस्टर हैं, कॉमर्स, प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल। तो हमारे पास फेडरल बोर्ड का तो मैं बता चुकी हूँ। IGCSE में हम स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स प्रोवाइड करते हैं बट रजिस्ट्रेशन इज ऑन देयर ओन बिहाफ, उनको कंप्लीट गाइडेंस दी जाती है, मगर बहुत जल्द हम IGCSE के लिए भी अपनी स्ट्रेटेजीज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? Many mothers were asking some questions. I hope your doubts are clear. Please वो आए और अपना experience share करें इकरा virtual school के साथ। पढ़ा और different चीजें में KG से start किया mid में और अब एक हमारा बेटा जो है वो अब IGCSE classes ले रहा है, तो हमारा इनसे ताल्लुक जो है वो काफ़ी कोविड के टाइम से चल रहा है और अभी तक जो है हम उसको मसले लेके हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी जगह पर हमें जाकर परेशानी हुई हो, नदामत हुई हो कि हमने जो है बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस क्यों दिला दी, बल्कि अभी भी हमारा ये ख्याल है कि आगे आने वाले साल में, अब चूँकि मेरा बेटा जो है वो पार्ट टाइम इनके साथ पढ़ रहा है, पार्ट टाइम जो है वो एक और स्कूल में है, तो हम इनको फुल टाइम इनके स्कूल के साथ जो है कनेक्ट कर देंगे। और हमारी तो खैर इनके साथ दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह से जो है वो जो है बरकतों के साथ रखे, आगे जो है फूले फूले लोग और जो है ये जारी रखे सफर हमारे इनके साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके अल्फाज बहुत मायने रखते हैं स्कूल के लिए। ये प्रोग्राम इसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा मगर हमारे गेस्ट को थोड़ी जल्दी है तो हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बाकी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे ये मौका देने का कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। पेरेंट्स तो ऑलवेज वरीड थे कि बच्चों के साथ कैसे इनकी एजुकेशन, क्योंकि मदीना में रहने का ब्लेसिंग तो है लेकिन बच्चों की एजुकेशन के इशू तो हम फेस करते रहे। आई वाज सो सेटिस्फाइड आई रेफर्ड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स इंक्लूडिंग डॉक्टर तैयब, डॉक्टर लतीफ साहब इधर बैठे हैं, उनको भी मैंने रेफर किया, उनके भी बच्चे सारे IGCSE से स्टडी कर रहे हैं। करंटली मेरा बेटा जो है अहमद वो प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं 1-to-1 एंड वी आर हाईली सेटिस्फाइड कि चंद तलबा को वो अपने हाथों से जो है सर्टिफिकेट वाली बात करें। प्लीज वो आए और अपने सर्टिफिकेट लें। आमना शहजाद, मरियम शहजाद, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द लवली स्टूडेंट्स। फातिमा अब्दुल बासित, उस्मान शेख, हुदा हारून, नदा हारून, अमीन हारून, वर्दा हारून, अरबा तैयब, मोहम्मद इब्राहिम, IGCSE के साथीजा और तलबा के लिए ये खबर गहरे सदमे से कम ना थी। हम तहरीन रफाकत के वालिदैन से अपने दुख का इजहार करते हैं। प्यारी तहरीन, ये ठीक है तुम चली गई और जुदा भी ऐसे हुई कि कोई रस्म निभा ना सके, तुम हंसी हंसी में चल दी, हम हाथ तक हिला ना सके। लव्स, अल्फाज, कावस, किताब, कहाँ कहाँ रखूं तेरी यादों का हिसाब। जगा मेरे चमकने से उजाला हो जाए, मेरे दम से यूं ही मेरे वतन
को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज प्रोफेसर, आई एम फ्रॉम ग्रेड 2C। टुडे आई विल सिंग माय फेवरेट पोएम। दिल की रानी रहेगी पानी में डलोग कर जाएगी, पानी में डलोग कर जाएगी। उसमें मैंने जब विजिट किया, यूके में गया और बाहर मालिक मैंने देखा, तो वहाँ होम स्कूलिंग मैंने देखी और होम स्कूलिंग के अंदर मैंने ये फैसिलिटी देखी कि पेरेंट्स चूँकि मसरूफ भी होते हैं और खुद सारे सब्जेक्ट अच्छे अंदाज से नहीं पढ़ा सकते, वो ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं, उनको अच्छे टीचर दुनिया में से कहीं से भी जहाँ से मिलते हैं वो उनको हायर करके उनसे क्लासेस करवाते हैं अपने बच्चों की होम स्कूलिंग के अंदर। तो मेरे जहन में उस वक्त से एक खाका आया कि क्यों ना एक कंप्लीट ऑनलाइन स्कूल हो जिसमें सारी तालीम वो ऑनलाइन दी जाए। शिनाज कौसर साहब जो तकरीबन 20 साल से किंडरगार्टन पढ़ा रही हैं, सऊदी अरब में पढ़ाती रही हैं 17 साल, अब वो ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, इस्लामाबाद मुंतकिल हो चुकी हैं, तो उन्होंने मेरे बेटे को भी पढ़ाया, बाकी बच्चों को भी पढ़ाया। जब मैंने एक साल बाद अपने बेटे को फिजिकल स्कूल में जब दाखिल करवाया और वो भी उस वक्त की क्लास उसकी तकरीबन हो चुकी थी, 2-3 महीने उसने स्कूल में जो है पढ़ा और जब एग्ज़ाम दिया तो उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। फिर मेरे कौन जानने वाले हैं पूरी सऊदी अरब में थे, वो ही शिफ्ट हुए वापस पाकिस्तान, वहाँ उन्होंने अपने बच्चों को दाखिल किया, 2 बच्चों को। उन्होंने मुझे वाचा सुनाया कि उनके बच्चों के साथ भी यही हुआ, पढ़ा उन्होंने ऑनलाइन हमसे और फिर जब उन्होंने फिजिकल स्कूल में ज्वाइन किया और वहाँ पर उन्होंने एग्जाम दिया चंद महीने बाद ही, तो उनके बच्चों ने भी वहाँ पोजीशन दी। हमारे पास अगर दोनों डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करें, हमारा कुरान डिपार्टमेंट सबसे पहले वो शुरू हुआ और फिर स्कूल डिपार्टमेंट जिस तरह IBS आपके सामने है, तो मोर देन 150 टीचर्स हमारे पास काम कर रहे हैं और जो कैलकुलेशंस यहाँ पे बताई गई हैं ये कुछ महीने पहले की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम 1000 को करीब हो चुके हैं। और हमारा टारगेट है अभी नए सेशन के अंदर, एक सेशन तो हमारा फेडरल बोर्ड का भी शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ में मार्च में, और दूसरा सेशन हमारा ब्रिटिश कैरिकुलम का जो शुरू होगा सितंबर में, तो हमें अंदाज़ा है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा एडमिशन आने वाला है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस स्कूल की पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुकी है और ये आप लोग भी महसूस कर रहे हैं। मेरी अपनी कैफियत ये है कि मैं किसी का भी मशवरा हो मैं उसको रायगाह जाने नहीं देता, मैं सुनता हूँ और मैं फिर उसको डिस्कस करता हूँ अपनी टीम के अंदर, मैं देखता हूँ कि वाकईतन ऐसी बात है या नहीं है, अगर है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास माशाल्लाह डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बात की, ये बहुत पुराने जो कहते हैं ना डॉक्टर अहमद अली से बात हुई थी, ये वो लोग हैं जिन्होंने 2020 में मुझसे बात की। शुरू अब मैं अपने चीफ गेस्ट को बुलाऊंगी कि वो यहाँ पे आए और हमारे टॉप पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे अपने हाथ से शील्ड्स दें। यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ मैं सलमा यासीन को, जो कि एक यूट्यूबर हैं और इनके बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो भी अपने ख्याल का इजहार करना चाहते हैं। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सलमा यासीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये सब डिस्कस करी। काफ़ी पेरेंट्स हैं जिनकी ये शिकायत होती है कि यहाँ पे बच्चों को जो एजुकेशन है वो सही से नहीं मिलती। इस्माइल फैसल बहुत सारे तालियां। मिशाल खुर्रम एंड नायाब खुर्रम। हुदा हारून, हुदा हारून, नदा हारून, आमना शहजाद, मरियम शहजाद, वर्दा हारून, मोहम्मद अबू बकर, मोना पीसम, योशी, प्लीज स्टैंड अप।
को नंबर दे देंगे। माशाल्लाह मेरे लाल को भी सर्टिफिकेट मिला है। हाँ चाय पीने का ना दिल कर रहा था मेरा, तो मैं आ गई। यहाँ पे चाय का इंतजाम है, वैसे पता नहीं कैसा टेस्ट निकलता है इसका। जाहिर है घर की चाय की तरह तो नहीं होगी। तो एक हमारी एक वो देसी आदत बनी हुई है ना, चले वो थोड़ी पूरी हो जाएगी। चले अभी हम जाने लगे हैं। काफी अच्छा लगा माहौल यहाँ का, बड़ा जबरदस्त बना हुआ था। चलो आज आप हमारे साथ जाओगे, आज भी हमारे साथ जा रहे हैं, हम इसे ड्रॉप करेंगे। बात कौन सी बिल्डिंग है, ये वाली सामने वाली? अल्लाह हाफिज़।